नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़, आपकी आवाज़। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आमी जे तो मार पर परफॉर्मेंस करते हुए स्टेज पर गिरी विद्या बालन, लेकिन नहीं रुका डांस। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस को 17 साल बाद पुरानी मंजुलिका के तौर पर विद्या बालन देखने को मिलेगी। इसके अलावा कास्ट में तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित, राजपाल यादव और अन्य कलाकार नजर आएंगे। इस बार फैंस को आमी जे तो मार 3.0 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का फैंस ऑफ देखने को मिलेगा। फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार 2 मंजुलिका नजर आएंगी, जैसा कि इसके लेटेस्ट पोस्टर में भी साफ जाहिर हो रहा है। फिल्म के पॉपुलर गाने आमी जे तो मार को मुंबई में एक इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। साल 2007 में विद्या के इस ट्रैक पर खूबसूरत डांस पेश किया था। रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर करती हुई नजर आई। इस दौरान परफॉर्मेंस करते हुए विद्या बालन का पांव साड़ी में फंस जाता है और वो अचानक स्टेज पर गिर जाती है। हालांकि इसके तुरंत बाद ही वो खुद को बहुत अच्छे से संभालती है और डांस चालू रखती है। विद्या ने जिस आत्मविश्वास के साथ खुद को स्टेज पर संभाला, वो काबिले तारीफ है। फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोनों की इस परफॉर्मेंस के वहां मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। परफॉर्मेंस के बाद विद्या ने कहा कि माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि एक ही फ्रेम में रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी बहन ने आज मुझसे कहा, तुम उनके जैसा बनना चाहती थी और आज तुम उनके साथ डांस कर रही हो, क्या ये बड़ी बात नहीं है? आमी जे तो मार के नए वर्जन को श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ दी है, जबकि चिन्नी प्रकाश ने इसे कोरियोग्राफ किया है। समीर ने इसके बोल लिखे हैं, साथ ही प्रीतम और अमाल मलिक का संगीत है। भूल भुलैया क्लेश का 1 नवंबर को रोहित शेट्टी की सिंगम अगेन के साथ होगा। इस फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर जैसे स्टार्स के नजर आएंगे। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने